6.32 आवर्स जब इनिशियल कॉन्टिजेंट चल रहा था, तब वो लोग मैसेज भेज रहे थे, हमें प्राइम कैरियर से कमांड्स तो मिल चुके हैं, लेकिन हम अब तक ये पता नहीं लगा पाए कि कितने सेकंड जनरेशन कैरियर्स भाग चुके हैं। नेशनल गार्ड्स ने वो एरिया क्वारंटाइन तो कर दिया है, लेकिन हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उनमें से एक पॉपुलेशन सेंटर को हिट नहीं करता। डायरेक्टर, हम यहाँ पर उस पैथागन के बारे में ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में कभी नहीं सुना और इन्फेक्शन रेट 100% है। अगर उनमें से एक कैरियर पहुंच गया हाई पोटेंशियल होस्ट डेंसिटी पर, तो वो इतनी तेजी से फैलेगा कि 24 आवर्स में वो सबको अपने काबू में ले लेगा। तब हम देखते हैं हेडक्वार्टर आर्मर का, जहां पर मॉर्बियस और डायरेक्टर कुछ बात कर रहे थे। यहां पर मॉर्बियस कह रहा था, ओरिजिनल 911 को स्वैम्प टूर से वापस बुलाओ। तभी एक आवाज उन्हें इंटरप्ट करती है, जिस पे मॉर्बियस कहता है, हमारे प्राइम कैरियर इंटरोगेशन में ये किसकी आवाज है। तब हम देखते हैं स्क्रीन पर डेडपूल को, जो कह रहा था, सुपर सीक्रेट गाइस, क्या कोई यहाँ पर आकर मेरे लेफ्ट पैर में खुजा सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत जोर से खुजली हो रही है। तब डायरेक्टर कहता है, क्या ये आदमी कभी चुप नहीं रह सकता। तब मॉर्बियस कहता है, वॉइस प्रिंट एनालाइज मैच हो चुका है, वो हमें अपने पर्पज के लिए लुभा रहा है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि वो या फिर वायरस खुद को उतनी तेजी से बढ़ा रहा है जितना हम सोच भी नहीं सकते। वो इन्फेक्ट करना चाहता है सुपर ह्यूमंस को, वो सुपर ह्यूमंस को अपने होस्ट के तौर पर चुनना चाहता है, या फिर इफिशियंट मीनिंग में कहे तो वो खुद को बढ़ाना चाहता है। तभी कोई डायरेक्टर को बताता है कि जिस रजिस्टर्ड सुपर ह्यूमन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वो पोर्ट हो रहा है एंट्री बेटू में। तब उस आदमी को देखकर आर्मर डायरेक्टर कहते हैं, मैं हूँ आर्मर डायरेक्टर चार्ल्स लिटल स्काई, मुझे खुशी है कि मिस मार्वल के साथ मिशन के बाद और ऑपरेशनल लाइटनिंग के खत्म होने के बाद तुमने इस टेम्पररी रीअसाइनमेंट के लिए हाँ कह दिया। आर्मर डायरेक्टर पुकारता है मशीन मैन। तब मशीन मैन कहता है, एरॉन, अगर आप बुरे इंसान होते मिस्टर स्टैक तो सिर्फ थैंक यू से काम चला लेते। जिस पे आर्मर डायरेक्टर कहता है, स्वागत है द हेलो मैरॉन। जिस पे मॉर्बियस कहता है, इम्प्रेसिव, मैंने अफवाह तो सुनी थी टॉप सीक्रेट एजेंसी स्वॉर्ड के बारे में, जो कि शील्ड की तरह थी, लेकिन उसने अब शील्ड को लगता है पोस्ट ऑफिस बना दिया होगा। तब आर्मर डायरेक्टर कहता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनविजिबल रेजोल्यूशन 121 के तहत आर्मर को उन सभी इंसिडेंट पर तुरंत रिस्पॉन्स करना होगा जो कि जुड़े हैं ट्रांस रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट से, ताकि वो गार्ड कर सके आउटसाइड कॉन्टेमिनेशन जो कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल एजेंट्स के जरिए हुआ हो, या फिर टाइम स्टेमिंग में डिस्ट्रप्शन पर। और हॉलो एक कम्प्लीटली सेल्फ सफिशियंट बंकर है मेनी माइल्स नीचे एक टॉप सीक्रेट लोकेशन पर, जहां पर सिर्फ टेलीपोर्टेशन से एक्सेस किया जा सकता है। तब आर्मर डायरेक्टर एरॉन को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, एरॉन, तुमने पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में तो सुना ही होगा, मुझे लगा था अल्टरनेट रियलिटीज हमारे रियलिटी को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन कुछ परपेंडिकुलर यूनिवर्सेस भी होते हैं जो हमारे यूनिवर्सेस को क्रॉस ओवर करते हैं एक पॉइंट पर, और हमारा काम ये है कि उन्हें बेबीसिट करना। और वेव यूनिवर्सेस जो कि हमारे यूनिवर्सेस में मिलते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ समय से मेरा मतलब है कुछ माइक्रोसेकेंड्स से लेकर कुछ दशकों तक, और परपेंडिकुलर और वेव यूनिवर्सेस की ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री पॉइंट देखे गए हैं सर्टस विला फ्लोरिडा स्वैम्प्स में। मैंने वियर्ड अमेरिका के बारे में सुना था जिसे कहते हैं नेक्सस ऑफ रियलिटीज, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बेसिस समझ सको एरॉन, और अब ऐसा लग रहा है कि वो नेक्सस मिल चुकी है एक वेव यूनिवर्स से, एक ऐसी दुनिया जो कि एक चौम्बी प्लग से पूरी तरह से घिर चुकी है, और वहाँ पर पीछे छूट चुके हैं नरबक्षी अनडेड सुपर ह्यूमंस। उस यूनिवर्स डेडपूल यहाँ पर आ गया नेक्सस के थ्रू 7 घंटे पहले, जो कि ढूंढ रहा था खाना, और उसने अकेले लगभग पूरी इनिशिएटिव टीम का सफाया कर दिया। आगे आर्मर डायरेक्टर एरॉन को डॉक्टर मॉर्बियस के लैब में ले जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं, यह ब्लड एक्सपर्ट और एक और रजिस्टर्ड सुपर ह्यूमन डॉक्टर मिचेल मॉर्बियस। तब एरॉन यानी मशीन मैन कहता है, हाँ, जो कि लिविंग वैम्पायर है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझसे आपको सिर्फ मोटर ऑयल मिलेगा। तब डॉक्टर मॉर्बियस कहता है, मुझे प्यास लगती है तब मैं सिर्फ अपराधियों का खून पीने की कोशिश करता हूँ। और वो आगे बताता है कि अगर किसी हालात में सेकेंडरी कैरियर हमारे जाल में से निकल गया या फिर कोई प्राइमरी कैरियर नेक्सस से निकल गया, तो इस हालात में मैं एक दवाई पर काम कर रहा हूँ जो कि उन्हें ठीक कर सकती है, और इस काम के लिए मुझे ज़रूरत है एटेन्यूएटेड वर्जन की, और अनफॉर्चुनेटली
हमारे पास इंटरडायमेंशनल बायोलॉजी का एक लंबा रास्ता है और ये जॉम्बी प्लग ब्लड में पाया जाता है, लेकिन जो सैंपल्स हमारे पास है उनमें मैं इस प्लग को जिंदा और कमज़ोर नहीं रख सकता, इसलिए यहाँ पर केमिस्ट्री काम नहीं आने वाली और मुझे इसलिए ज़रूरत है। इसी बीच वहाँ पर टेस्टिंग के लिए लाया गया एक जॉम्बी वहाँ के एक आदमी पर हमला कर देता है। तब उस जॉम्बी को मशीन मैन उड़ा देता है और आगे वो कहता है, तो तुम्हें इसलिए ज़रूरत है उस ह्यूमन ब्लड की जो उस जॉम्बी डायमेंशन में है, ताकि तुम उस पर दवाई बना सको। तब मॉर्बियस कहता है हाँ, और आर्मर डायरेक्टर उसे बताता है, हमने रोबोट तैयार करने की कोशिश की जो कि तुमसे अलग तो नहीं था, लेकिन जॉम्बीवर्स में जाकर वो सैंपल कलेक्ट कर रखना तुम्हारे बस की बात है। तब मशीन मैन इसके लिए मना करता है, जिस पे वो कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तब मशीन मैन उसे बताता है एक सुसाइड मिशन पर जाना जहाँ पर अनडेड सुपर हीरोज है। मुझे खुशी है कि आपने मेरा नाम सजेस्ट किया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता। जिस पर आर्मर डायरेक्टर कहता है मैं इसके लिए तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूँ। तब मशीन मैन कहता है नहीं, मेरा शील्ड कॉन्ट्रैक्ट चेक कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं रजिस्टर्ड सुपर ह्यूमन हूँ, इस वजह से मेरे पीछे गवर्नमेंट है और आप इसके लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मशीन मैन जाते हुए कहता है, और अब मेरी क्यूरियोसिटी आर्मर के बारे में पूरी हो चुकी है, तो मैं अपने क्वार्टर वापस जाना चाहता हूँ, मेरे मॉडल डिकॉय के साथ और मेरे हिताचिनो के साथ। आपने कभी हिताचिनो खाया है? वो एक अमेजिंग डिश है जो राइस से बनती है। तब जोकास्टा एरन को पुकारती है और कहती है, मैं तब से बहुत खुश हूँ जब से उन्होंने बताया कि तुम मेरे साथ आने वाले हो और तुम कुछ अलग लग रहे हो। तब मशीन मैन कहता है, हाँ मैं तब से ऐसा ही हूँ जब से हम लड़े थे अल्ट्रॉन से एक साथ, मैं, तुम और बेन क्रीम। और मैंने सोचा, यानी हमने सोचा कि तुम मर गई, हमने तुम्हें खो दिया जोकास्टा। तब जोकास्टा कहती है, ये मेडिकल अटैचमेंट फुली ऑपरेशनल लग रही डॉक्टर। तब डॉक्टर मॉर्बियस कहते हैं, एक्सीलेंट, तो फिर टाइम नहीं गंवाते। जिसपे मशीन मैन पूछता है, रुको, तुम इसे अकेले उस डायमेंशन में भेजने वाले हो? जिसपे एटर स्काई कहता है, ये हमारी पहली चॉइस नहीं थी, लेकिन इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ किसी ऑर्गेनिक स्क्वाड को भेजना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम एक एजेंट ढूंढ रहे थे जो चिंता कर सके रोबोट काइंड की। तब मशीन मैन कहता है, ठीक है। जिसपे लिटिल स्काई पूछता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तब मशीन मैन कहता है, हाँ तुम जीत गए लिटिल स्काई, मैं ये करूँगा। 8.16 hours इनिशियल कॉन्टेजन के दौरान, जहाँ पर आर्मर डायरेक्टर से कोई पूछ रहा था कहीं जा रहे हो? तब आर्मर डायरेक्टर कहता है, मैं सिर्फ एजेंसी का डायरेक्टर नहीं बल्कि मैं तुम्हारी राइड भी हूँ। मेरी पावर्स जो कि है पोर्टल जनरेट करना दो डायमेंशन के बीच, इससे मैं तुम्हारे लिए एक डिजाइनेटेड ड्राइवर बन जाता हूँ। तो रेडी होकर वो कहता है, वक्त गुजरता जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप करूँगा जहाँ पर हमारे बायोरिदम प्रोब्स ने ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस शो किए हैं। तो इकोलॉजी 101 के तहत जाने दो। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी और शायद वो चीज़ें भी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यह है रास्ता दुनिया को बचाने का। और वो तीनों एक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। 9.5 hours इनिशियल कॉन्टेजन के दौरान, जहाँ पर मिचेल मॉर्बियस को टाइप कर रहे थे और उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तब एक गार्ड पूछता है, कोई प्रॉब्लम डॉक्टर? तब डॉक्टर मॉर्बियस कहते हैं, हाँ मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा। तब वो कहता है, मैं मदद करता हूँ। और जाते वक्त वो कहता है, एक बात सुनो, तुम अपना कोड कहीं लिख लो या फिर अपना डोर अनलॉक छोड़ दो, क्योंकि अगली बार मैं ये नहीं करने वाला। तब अंदर जाकर वो कहता है, ये शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से हुआ है। और मिचेल मॉर्बियस को देखकर कहता है, इस वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है मिचेल, इस दुनिया का मेरा अनइन्फेक्टेड वर्जन जो कि तुम हो, जिससे मुझे फ्रेश ब्रेन मिलेगा फाइनल कैलकुलेशन के लिए। और वो अपने नकली होठ निकालते हुए कहता है, डेडपूल ने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है और हम यहाँ तुम्हारे दुनिया में एक मिशन पर आए हैं, ये खुशखबरी देने के लिए, और सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। तब हम देखते हैं वो जॉम्बी मिचेल मॉर्बियस था दूसरे यूनिवर्स से।